guys, I'm your English educator from Ajinkuch. Today we are going to discuss some tricks of epigraphs and decimals. फर्स्ट वन हम देखेंगे हमारे पास कोई भी सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का फर्स्ट जो हम लोगों ने उसके ऊपर अप्लाई करना है वो क्या हम अप्लाई करेंगे कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे हम क्या करेंगे हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी सेकेंड हम क्या करते हैं हमारा कोई भी एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसमें हम क्या करते हैं उसके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं सब्जेक्ट बना देते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो हम यूज करते हैं उसके बाद हम क्या राइट करते हैं बाय हमेशा क्या हर सेंटेंस में क्या होगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद क्या यूज होगा बाय यूज होगा और उसके अलावा जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट जो होगा उसको हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट बना देंगे अगर हमारे पास कोई सेंटेंस है लाइक प्रेजेंट इंडेफिनेट का है पास्ट इंडेफिनेट का है या फ्यूचर इंडेफिनेट का है इन तीनों में से कोई भी अगर हमारे पास सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब हम कौन सा यूज करेंगे आप प्रेजेंट इंडेफिनेट है यानी इंडेफिनेट के बाद क्या आता है कंटिन्यूअस आता है तो हम क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब जो है अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है तो हम किसका यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे अब इसके हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं इज एम आर हम अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली क्या करेंगे यहां से जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा वो यूज करेंगे हमेशा हमारे पास अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है अगर पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो कौन सा है वाज एंड वर और अगर हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनेट का कोई सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसको यूज करेंगे वो क्या है मे बी इस तरह से कोई भी हमारे पास मतलब इंडेफिनेट का सेंटेंस है तो हम उसकी नेक्स्ट जो है कंटिन्यूअस वाले क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे एग्जाम्पल देखते हैं इसके कुछ आई बाय अ बुक अब ये क्या है प्रेजेंट इंडेफिनेट का है तो हमने फर्स्ट पे क्या किया ऑब्जेक्ट को क्या किया हमने क्या किसमें चेंज कर दिया सब्जेक्ट में चेंज कर दिया अ बुक अब यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का था तो हम लोगों ने क्या किया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या किया हेल्पिंग वर्ब यूज किया नेक्स्ट हमारे पास किससे क्या आ गई थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी थी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई अब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय यूज करना था और उसके बाद हमने क्या करना था जो हमारा सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बनाना था अब आई की जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या हमारे पास है मी अ बुक इज बॉट बाय मी इसी तरह से दे ब्रोक अ ग्लास अब यहाँ पे ये हमारे पास किसके है पास्ट इंडेफिनेट है पास्ट इंडेफिनेट में हमने क्या करना था पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज करना था जो कि वाज और वर है अकॉर्डिंग टू हमने सब्जेक्ट यूज करना है तो हम देखेंगे दे ब्रोक अ ग्लास अब यहाँ पे आ ग्लास जो है ये हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट है तो इसको हमने फर्स्ट क्या करना था सब्जेक्ट बनाना था यानी एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंस है उसमें ऑब्जेक्ट का हमने क्या बना देना है सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में तो ये हमारे पास क्या बन गया सब्जेक्ट उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करना था तो वो क्या आएगा पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है वाज और वर है तो यहाँ पे ये सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे वाज यूज करेंगे नेक्स्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हर मतलब जो भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे जिस भी टेंस का बनाएंगे फॉर्म जो है वो थर्ड ही यूज होगी हमेशा वर्ब की क्या यूज होगी थर्ड फॉर्म उसके बाद बाय देम दे के ऑब्जेक्ट केस क्या है हमारे पास देम है नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस का कोई भी हमारे पास सेंटेंस होगा उसको हमने क्या करना है उसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो ही रहेगा लाइक इसका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है तो इज एम आर ही रहेगा पैसिव वर्ब में भी इसका वाज वर्ब है तो वाज वर ही रहेगा जो फ्यूचर कंटिन्यूअस जो हमारे पास टेंस है इसका जो है पैसिव वॉइस नहीं होता अब हम देखते हैं जो हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो तो हम इसी टेंस का लगा देंगे लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वही लगाएंगे लेकिन हम हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे लाइक इज है इसके बाद हम क्या लगाएंगे बीइंग क्या यूज होगा बीइंग यूज होगा अगर यहाँ से हम वर्ब में हमारा कोई आ रहा है या वाज में हमारा सेंटेंस कोई आ रहा है तो उसके बाद क्या लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगाएंगे बीइंग लगाएंगे एग्जाम्पल देखते हैं आई वाज रीडिंग अ बुक अब ये हमारे पास किसका है पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है आई वाज रीडिंग अ बुक अब हमने फर्स्ट पे क्या करना था इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना था अ बुक वाज अब हेल्पिंग वर्ब वही वाला यूज हुआ जो इस टेंस का था लेकिन साथ हमने क्या यूज किया है बीइंग यूज करेंगे बीइंग रेड उसके बाद बाय आई की जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या आ जाएगी मेरे पास मी मीन अ बुक वाज बीइंग रेड बाय मी
नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। यानी परफेक्ट का कोई भी सेंटेंस होगा तो हम उसमें क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वाले का क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट का हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, जो हमारे पास एक तो ये है कि थर्ड फॉर्म ही यूज होगी, बाय यूज होगा थर्ड फॉर्म के बाद। अब इसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है अगर तो उसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला यूज होगा। अगर पास्ट परफेक्ट है तो उसका क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला यूज होगा। और अगर फ्यूचर परफेक्ट है तो उसका किसका यूज होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला यूज होगा। अब हम देखेंगे हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज, हैव। पास्ट परफेक्ट का क्या है, हैड। फ्यूचर का क्या है हमारे पास, फ्यूचर परफेक्ट का विल हैव। ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। अब जब हम इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब, अगर हमारे पास हैज और हैव वाला हमारे पास सेंटेंस आ रहा है तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब क्या कर देंगे, has और have been। उसके बाद ये had था तो मतलब perfect continuous में क्या होता है, had been helping verb। और जो हमारे पास future perfect continuous है उसका helping verb क्या होता है, will have been। अगर हमारे पास कोई सेंटेंस आता है जिसमें has है तो हम क्या करेंगे, उसमें helping verb जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वाला यूज करेंगे, मतलब हैज बीन या हैव बीन यूज करेंगे। अगर हमारे पास पास्ट परफेक्ट है तो हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करेंगे, यानी हैड बीन यूज करेंगे। अगर हमारे पास कोई सेंटेंस है जिसमें फ्यूचर परफेक्ट यानी विल हैव वाला सेंटेंस आ रहा है तो हम उसका हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस मीन विल हैव बीन के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, ही विल हैव फाइंड अस। अब यहाँ पे ये क्या है, हमारे पास विल हैव जो है ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे, इसको किसके अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे, वी हैव बीन। यानी हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, हम इसका हेल्पिंग वर्ब राइट करेंगे। अब यहाँ पे अस था, इसका सब्जेक्टिव केस क्या हमारे पास है, वी विल हैव फाइंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय ही का जो हमारे पास सब्जेक्टिव केस है वो क्या है, हिम। अब ये क्या है, इसका पैसिव वॉइस है। अब हमारे पास जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका क्या होता है, पैसिव वॉइस नहीं होता। थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वीडियो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। गुड बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।